तो इस वीडियो सीरीज़ में, ये एडवांस सी प्लस प्लस का वीडियो सीरीज़ है, इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे कि इटरेटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो इटरेटर्स क्या है, जो सी प्लस प्लस का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसको एसटीएल कहते हैं शॉर्ट में, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो अगर आप सी प्लस प्लस में एकदम अच्छा बनना चाहते हैं, तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि बिना इटरेटर के नहीं हो सकता है। ओके, इटरेटर के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, और मोटा मोटी आप इटरेटर के बारे में थोड़ा मोटा जानते ही हैं, अगर आप थोड़ा भी सी प्लस प्लस सीखें तो आपको पता होगा। इसमें थोड़ा सा उसको और कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सा और उसको रियलाइज़ करेंगे कि क्या इटरेटर एग्जिस्ट क्यों करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो। मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है हिंदी शिक्षा, उसमें जितने लोग जिनको ऐसा सी प्लस प्लस में एकदम टॉप लेवल का बनना है, वहाँ के डिस्कस कर सकते हैं और नए नए आइडिया शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सभी एक तरह से कोलैबोरेशन करके और भी सभी लोग खुद एक दूसरे को इम्प्रूव करने में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इटरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इटरेटर क्या होता है, ये इसका सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि इटरेटर को जैसे डिक्शनरी में खोलिएगा तो क्या समझ में आएगा, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया रहे कि हो क्या रहा है। तो इटरेटर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो इटरेट करे, इटरेट मतलब एक तरह से होता है रिपीट, समझ गया। लेकिन सी प्लस प्लस में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इटरेटर मतलब ये रिपीट नहीं, एक तरह से मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे एक एलिमेंट से दूसरे में जाना, तो ये कॉन्सेप्ट को इटरेटर वर्ड दे दिया है। ओके, तो इसलिए एक मतलब डिक्शनरी मीनिंग भी जानना बहुत यूज़फुल रहता है, आपको रियलाइज़ होगा बाद में। सबसे पहली बात क्या है कि इटरेटर जो है, इटरेटर कैटेगरी वो क्या है, कॉन्सेप्ट है। मैं बोलूँगा इटरेटर कैटेगरी क्या है, तो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, बट ऐसे मैंने एक आइडिया दे दिया। इटरेटर जो है पाँच तरीके का होता है, इसलिए मैंने लिखा इटरेटर कैटेगरी। और ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। बोलिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो आपका डिक्शनरी मीनिंग है वो बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट का टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कंस्ट्रेंट्स ऑन टाइप्स, मतलब कोई टाइप के बारे में उस पर रूल लगाते हैं कि ये टाइप ये काम कर सकता है, इसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, या इस ये टाइप ये चीज़ नहीं कर सकता है, उस पर इनवेरियंट डालते हैं। तो ये सब कंस्ट्रेंट जो है वो टाइप का, वो उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं सी प्लस प्लस के दुनिया में। तो इटरेटर का जो कैटेगरी है कि पांच तरीके का इटरेटर कैटेगरी, वो भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। ये आपके एकेडमिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, इसका प्रैक्टिकल इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको सिर्फ इटरेटर का कॉन्सेप्ट समझना है कि वो क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इटरेटर का, कि वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करता है मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास आप फ्रेमवर्क बना रहे हैं, आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है मान लीजिए डबली लिंक्ड लिस्ट। अब आपको डेटा स्ट्रक्चर का ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक उसके पे कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया जाए, है ना। एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम इज़ प्रोग्राम। तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग एक्टिविटी है उसमें आप क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे एल्गोरिदम अप्लाई करते रहते हैं। बेसिकली मोटा मोटी आप यही करते हैं पूरे प्रोग्रामिंग के समय, ठीक है। तो बीच में इटरेटर आ गया एक तरह से। क्या होता है, आपके पास एक दो डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट। आप एक एल्गोरिदम यूज़ करना चाहते हैं कि हाँ मुझे nth एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ढूंढना है लिस्ट में, तो आप क्या करते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है, ऐसा रहेगा कि लिस्ट डॉट फाइंड, मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में एक बना देंगे फंक्शन कि फाइंड करो, ठीक है। फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक और फंक्शन रहेगा फाइंड करो, दोनों का अलग अलग फाइंड बना दिए। बट फाइंड करने का जो फाइंड जो एक एल्गोरिदम है वो क्या है उसका काम, कि मुझे ढूंढना है, चाहे आप कैसा भी डेटा स्ट्रक्चर दीजिए, फाइंड करता क्या, एक से दूसरा पे जाता, दूसरा पे तीसरा पे जाता है, ऐसे ढूंढता रहता है और तो कुछ करता नहीं है। तो फाइंड को क्यों ना अलग कर दिया जाए और ऐसा करें कि फाइंड दोनों के लिए यूज़ हो सके, सिंगल लिंक्ड लिस्ट के लिए भी, डबल लिंक्ड लिस्ट के लिए भी, अरे के लिए भी, डिक्शनरी के लिए भी। ऐसा करके क्या होगा कि मेरा एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, डीकपल हो जाएगा, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। और यही जेनेरिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कहते हैं लिफ्टिंग, मतलब हर चीज़ को कितना अलग अलग किया जाए, कितना तोड़ सके ताकि कंपोनेंट अलग अलग हो जाए और एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से हारमोनियसली इंटरेक्ट करें। यही है जेनेरिक प्रोग्रामिंग का बहुत ही मतलब एक तरह से मूल मंत्र टाइप का समझिए, उसी पे जेनेरिक प्रोग्रामिंग का बेसिस होता है। तो
क्या है, देखिए नीचे मैंने डायग्राम बनाया है छोटा सा, एल्गोरिदम और कंटेनर के बीच में है डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी इटरेटर। कंटेनर मतलब डेटा स्ट्रक्चर, वही लिखा हुआ है। तो ये हो गया कंसेप्चुअल नॉलेज कैसे कि हाँ भाई क्या हो सकता है इटरेटर, इसका यूज़ क्या है। देखिए कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, वो एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा सिर्फ इटरेटर प्रोवाइड करेगा कि हाँ ये इटरेटर है मेरा, एक है बिगिन है एक है एंड, और आपको जो एल्गोरिदम लगाना है लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा एल्गोरिदम काम करना चाहिए। तो इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इटरेटर पे ही काम करे बस। तो इट अलाउज एप्लीकेशन ऑफ जेनेरिक एल्गोरिदम टू डेटा स्ट्रक्चर्स। अब मैंने एक फाइंड बना दिया जो जेनेरिक है, मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पर आप लगा रहे हैं, वो फाइंड कर देगा। और मैं क्या करूँगा कि डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ इटरेटर प्रोवाइड कर देंगे और बस अपने आप सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये मतलब इससे बेसिक एग्जाम्पल बनाना मुश्किल था इसलिए इतना बड़ा हो गया। एक मैंने बनाया है डेटा स्ट्रक्चर, उसका नाम है माई वेक्टर। उसमें देखिए दो फंक्शन है, बिगिन और एंड। बिगिन और एंड क्या कर रहा है, देखिए बिगिन क्या कर रहा है, पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और एंड क्या करता है, लास्ट के बाद वाला एक को प्रोवाइड करता है। पी प्लस एन है, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि एन जो है, पी प्लस एन जो है वो वेक्टर के किसी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो एक वन पास्ट द एंड है वो, एक तरह से समझिए। तो एंड बेसिकली अरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ एंड तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, समझ गया। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, उसके लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो रेंज का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए कि बिगिन और एंड आपको प्रोवाइड करना है बेसिकली, और आपका काम हो गया। अब मुझे मान लीजिए ट्रैवर्स करना है इस वेक्टर को, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फॉर लूप में लिख दिया आई टी वी इक्वल टू वी डॉट बिगिन आई टी नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड, और मैंने जैसे प्रिंट करना है एलिमेंट को, है ना, सी आउट पे। तो इस तरह से इटरेटर का इम्प्लीमेंटेशन होता है, समझ गया। यहाँ पे सिर्फ दो बिगिन और एंड प्रोवाइड किए, और भी बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट एक मोटा मोटी आइडिया हो गया आपको कि हाँ इटरेटर ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप अपने डेटा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। और ये वेक्टर है तो उसका पॉइंटर पी, पॉइंटर जो है पी, जो कि एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और ये जो वेक्टर है जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं टी टाइप है, किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे मैंने जो डिक्लेयर किया वेक्टर, देख रहे हैं माई वेक्टर इंट, इंट टाइप का वेक्टर है, इसमें इंटीजर एलिमेंट रखे हुए हैं। तो ये एक तरह से आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ से कि इटरेटर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। और देखिए क्या है, मैंने जैसे शुरू में बोला था कि इटरेटर के कैटेगरीज होते हैं, पांच तरह के कैटेगरी होते हैं, और यही सब इसको कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हैं कि जैसे इटरेटर है तो आप जैसे एलिमेंट ट्रैवर्स करते हैं तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जो C++ का जो सॉरी जो STL के जो डिज़ाइनर है अलेक्जेंडर स्टेपनोव, उन्होंने पांच तरीके से पांच पार्टमेंट को डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्या है, इनपुट इटरेटर। वो क्या करता है, इनपुट इटरेटर क्या करता है कि आप जब हम किसी चीज़ को ट्रैवर्स करते हैं तो सबसे एक एक्टिविटी क्या हो सकता है आपका, कि आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, बस इतना ही कर सकते हैं, है ना। एक है क्या कि एक है कि आप उस जगह पे कुछ राइट कर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, ये दूसरा एक्टिविटी हो सकता है। तो आउटपुट इटरेटर, या मैंने STDIN और STDOUT लिख दिया है। ये क्या है, मैं एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि STDIN भी एक तरह का इनपुट इटरेटर का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, समझ गए। इनपुट इटरेटर एज ए कॉन्सेप्ट बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसको इससे मतलब नहीं है कि STDIN है, आपका क्लास भी इनपुट इटरेटर इंप्लीमेंट कर सकता है अगर आप वैसा ही रिक्वायरमेंट है आपका। लेकिन मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन को समझना मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझे कैसे जब तक उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ना दे, मुश्किल है, ओके। इसलिए तीसरा क्या है, फॉरवर्ड इटरेटर। फॉरवर्ड इटरेटर मतलब सिर्फ आप आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, जैसे सिंगल लिंक्ड लिस्ट हो गया, सिंगल लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ आप आगे ही बढ़ सकते हैं, पीछे आने का कोई रास्ता ही नहीं है। चौथा है बाई डायरेक्शनल इटरेटर, ऑब्वियसली बाई डायरेक्शनल मतलब आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, तो है डबली लिंक लिस्ट। अब एक बात है कि जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें फॉरवर्ड हमेशा जा ही सकते हैं, तो बाई डायरेक्शनल जो है वो फॉरवर्ड तो है ही, इसलिए राइट साइड में आप देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें क्या है, देखिए बाई डायरेक्शनल नीचे है फॉरवर्ड के, मतलब बाई डायरेक्शनल इज सेट थ्योरी के टर्म्स में सबस्यूम्स फॉरवर्ड इटरेटर, समझ गए, एक तरह का सुपर सेट टाइप का समझिए बाई डायरेक्शनल जो है। और जो रैंडम एक्सेस इटरेटर है वो क्या करता है, वो एक तरह से सब कुछ को रखे हुए, इनपुट है, आउटपुट है, फॉरवर्ड है, बाई डायरेक्शनल है, और एक और चीज़ है उसमें
कि रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक एक स्टेप करके जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में पांच एलिमेंट आगे जा सकते हैं। जैसे अरे आप यूज़ किए होंगे तो अरे में क्या होता है, लिखते हैं ए ऑफ फाइव, सीधा पाँचवा पे पहुँच जाओ। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा आप नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में क्या होगा, एक एक करके जाओ, क्योंकि एक एक एरो से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हुआ पांच इटरेटर का कॉन्सेप्ट। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, एक तरह से आपका क्या कहें उसको, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में लास्ट के तीन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कौन यूज़ होता है, रैंडम एक्सेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अरे से डील करते रहते हैं। लेकिन लास्ट का तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट इटरेटर और आउटपुट इटरेटर बहुत ही रेयर केस में काम आता है। जैसे आप मान लीजिए कोई बफर बना रहे हैं, स्ट्रीमिंग बफर बना रहे हैं, तो डेटा आता है एक बार और आप रीड कर लीजिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, डेटा रहता नहीं है, तो एक तरह का इनपुट इटरेटर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे। और आउटपुट इटरेटर क्या हुआ कि आप जैसे पैकेट भेज रहे हैं, आप एक बार भेज दिए हैं, उसको वापस तो नहीं ला सकते, तो वहाँ पे आउटपुट इटरेटर का कॉन्सेप्ट है एक तरह का। समझ गया? तो वो सब रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन लास्ट तीन तो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अब देखिए क्या कॉमन यूसेज क्या है इटरेटर का, कि हाँ कि जैसे मैंने बनाया था वेक्टर के बारे में कि बिगिन और एंड, तो पहला एलिमेंट दे दो, फिर लास्ट एलिमेंट दे दो, इस तरह रहता है। फिर एक एलिमेंट मतलब नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाओ, है ना, प्लस प्लस करके कि हाँ इस एलिमेंट पे है, नेक्स्ट पे चले गए, चौथा से पाँचवा पे, पाँचवा से छठा पे, इस टाइप से। फिर क्या डी रेफरेंस कर सकते हैं, कि जिस पोजिशन पर आप पॉइंट कर रहे हैं, इटरेटर एक तरह का पॉइंटर है, लेकिन पॉइंटर जो है बहुत ही कॉन्क्रीट टर्म्स हो गया, लेकिन इटरेटर एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो क्या करते हैं, आप किसी को पॉइंट करें तो उसको डी रेफरेंस भी कर सकते हैं, उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और क्या है सबसे लास्ट वाला जो है, और वही सबसे कॉन्सेप्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि पास ए पेयर ऑफ इटरेटर्स टू एन एल्गोरिथम। अब आपको एक पेयर ऑफ इटरेटर पास करेंगे आप, बिगिन और एंड, दो इटरेटर पास कर दिए, अब बोलेंगे इस रेंज हो गया एक तरह का वो, है ना, एक जैसे पाँचवें एलिमेंट से दसवें एलिमेंट तक के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो एक पेयर ऑफ इटरेटर पास कर दीजिएगा एक एल्गोरिथम में, तो क्या होगा, वो उसको एल्गोरिथम लेगा और उस पर वो एल्गोरिथम रन करेगा उतने एलिमेंट के उतने एलिमेंट पे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ही जो है वो आइडिया कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर को अलग कैसे होता है, ऐसे ही होता है। एल्गोरिथम क्या करता है, सिर्फ इटरेटर लेता है, और डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सिर्फ इटरेटर प्रोवाइड करता है, और दोनों अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ये हो गया इटरेटर का कॉन्सेप्ट। मैंने दो रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, ताकि आप और भी जानना चाहें, आपको ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है तो एक है cppreference.com, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में दिया रहता है, और दूसरा लिंक जो मैंने दिया हिंदी शिक्षा का, वो वहीं पे सारा वीडियोस वगैरह मैं रखता हूँ, ताकि आप वहाँ पे देख सकते हैं। और तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डिस्कस करना है कि और क्या समझना चाहिए और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप फेसबुक का ग्रुप में, हिंदी शिक्षा का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करिए और वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।